हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखो, मैंने आपको ए वेरीफाई करने का सिखाया था, पर कुछ स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम था फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एग्जाम्पल में, तो ये थ्री एग्जाम्पल्स में अब आपको समझाने वाली हूँ। ओके, यहाँ पे क्या बोला है, यूज द गिवन वैल्यूज टू वेरीफाई द फॉर्मूला फॉर स्क्वायर ऑफ अ बाइनोमियल्स। तो ये जो हमें बाइनोमियल का फॉर्मूला दिया है, राइट, ये बाइनोमियल का फॉर्मूला है, उसमें हमें ए की और बी की वैल्यू डाल के LHS मतलब की लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS मतलब की राइट हैंड साइड, उन दोनों को हमें इक्वल दिखाना है। क्या दिखाना है? इक्वल दिखाना है। देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया है, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए जो फॉर्मूला है ये हमें वेरीफाई करना है, वैसे ही उसी तरीके से हमें ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें वेरीफाई करना है। ओके, अब वेरीफाई कैसे करते हैं, चलो हम देखते हैं। यहाँ पे देखो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है ए की वैल्यू दी है सेवन माइनस सेवन एंड बी की वैल्यू दी है एट। ओके, तो चलो हम करते हैं, पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी फॉर्मूला में, LHS इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है, चलो दिखाओ मुझे, ए की वैल्यू क्या है माइनस सेवन, तो माइनस सेवन प्लस बी की वैल्यू क्या है एट, तो माइनस सेवन और उसका क्या है यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगाएंगे, राइट। तो चलो बोलो मुझे, माइनस सेवन प्लस एट कितना हो जाता है, प्लस वन होता है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस सेवन प्लस एट मतलब कि क्या हो गया, एट माइनस सेवन हो गया ना, तो एट माइनस सेवन कितना होता है वन होता है, तो वन का स्क्वायर कितना आएगा आपका, वन ही आएगा, राइट। तो आगे आगे हमें RHS प्रूफ करना है, RHS की वैल्यू क्या है, RHS की वैल्यू क्या है हमारी फॉर्मूले में, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो चलो आप पुट करो, ए की वैल्यू क्या आपकी माइनस सेवन क्या है, माइनस सेवन प्लस प्लस करके टू इंटू माइनस सेवन, ए की वैल्यू क्या है माइनस सेवन और बी की वैल्यू क्या आपकी, बी की वैल्यू है एट, राइट, एट प्लस बी का स्क्वायर मतलब किसका, एट का स्क्वायर। ओके, तो चलो आप सॉल्व करो इसे, यहाँ पे माइनस सेवन का स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया प्लस टू इंटू ए बी हो गया प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू एट स्क्वायर आ गई, राइट। अब चलो सॉल्व करो इसे, माइनस सेवन का स्क्वायर कौन सी भी टर्म हो, माइनस टर्म हो, उसका स्क्वायर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है, मतलब क्या प्लस में ही आता है, राइट। मतलब हमेशा स्क्वायर टर्म कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, प्लस होती है, तो माइनस सेवन का स्क्वायर कितना आएगा 49, मतलब प्लस ही आएगा, राइट। अब सेवन इंटू टू इंटू माइनस सेवन इंटू एट, तो यहाँ पे माइनस ए प्लस और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन आएगी, राइट, क्या साइन आएगी यहाँ पे माइनस साइन आएगी। टू इंटू सेवन कितना होता है 14, 14 इंटू एट कितना होता है 2 इंटू माइनस सेवन इज माइनस 14, यहाँ पे माइनस साइन हमने इसलिए लगा ली है, राइट। और यहाँ पे 14 इंटू एट कितना हो जाता है आपका 14, एट जा कितना होता है 112, कितना होता है 112 प्लस 8, एट जा कितना होता है 64, कितना 64। तो चलो अब इनका एडिशन, किस किस का एडिशन करोगे आप, इसका एडिशन एंड इसका एडिशन करोगे, राइट, और इस उन दोनों के एडिशन में से ये टर्म आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे, राइट। तो चलो अब करो, 49 प्लस 64 कितना हो जाता है आपका 64, 4 प्लस 9, 9 प्लस 4 कितना हो जाता है 13, 1 कैरी एंड यहाँ पे 6 प्लस 4 इज 10 एंड यहाँ पे 11, 113। तो देखो यहाँ पे 113 माइनस क्या आ गया आपका 112, क्या हो गया 112, तो 113 में से 112 गए तो कितने आते हैं आपके 1 आंसर आता है। देखो यहाँ पे LHS की वैल्यू कितने आई 1 और RHS की वैल्यू भी कितने आई 1, मतलब कि आपका जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया ना, क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, राइट। तो देखो यहाँ पे आपका क्या आया, आपका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपकी ये जो टर्म है उसकी भी वैल्यू कितने आई थी, वन आई थी, और इसकी भी वैल्यू कितने आई, RHS की वैल्यू भी वन आई और LHS की वैल्यू भी वन आई, तो वन इक्वल टू वन, तो मतलब कि क्या हो गया, फॉर्मूला वेरीफाइड हो गया, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या चेक करना होता है, ये इक्वल टू साइन है ना, इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड की टर्म की जो वैल्यू आने वाली है वही वैल्यू राइट हैंड टर्म की भी आने वाली है क्या, वो आपको चेक करना होता है, राइट। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमें
ये भी हमें चेक करना पड़ेगा ना, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर वाला भी चेक करना पड़ेगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म साइड में होता है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड की टर्म बोलते हैं, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर होगा। और राइट हैंड साइड की टर्म कौन सी होगी, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा, राइट। तो चलो हम वही a इक्वल टू माइनस सेवन एंड b इक्वल टू एट का यूज करके ये फॉर्मूला वेरीफाइड करते हैं, ओके। तो चलो हमारा LHS क्या है, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो देखो अब हम वही यूज करेंगे a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ये क्या है हमारी LHS, क्या है LHS, ओके। LHS इक्वल टू क्या है हमारा, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू क्या आपके पास माइनस सेवन, और यहाँ पे माइनस करके b की वैल्यू लिखना है, b की वैल्यू 8, ओके, और उसका स्क्वायर। तो माइनस सेवन एंड माइनस एट कितना हो जाता है बताओ, कितना हो जाता है माइनस 15 हो जाता है ना, राइट। तो यहाँ पे उसका स्क्वायर, अभी जैसे कि मैंने बोला आपको कौन सी भी स्क्वायर अगर माइनस हो और स्क्वायर किया आपने तो वो वैल्यू क्या आती है, हमेशा पॉजिटिव ही आती है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए स्क्वायर टर्म की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर कितना आता है 225, राइट। अब चलो आपकी ये वाली है LHS तो आ गई, अब आपको क्या निकालना है, RHS निकालना है, क्या निकालना है RHS। तो RHS का फॉर्मूला क्या है आपके पास, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर के लिए a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो a स्क्वायर मतलब क्या होगा आपका, माइनस सेवन का स्क्वायर माइनस करके टू इंटू ए की वैल्यू क्या आपकी माइनस सेवन इंटू करके b की वैल्यू क्या है 8, ओके, प्लस 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो माइनस सेवन का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 49 माइनस, और यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, दोनों प्लस हो जाएंगे, ओके। 2 इंटू सेवन इंटू एट कितना आया था हमारा 112 और प्लस करके 64। तो चलो इन सब की एडिशन करो, 49 प्लस 64 हमारा क्या आया था 113, 113 प्लस 112 ऐड करो उसमें 112 कितना हो जाता है, देखो 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 225। देखो आपका LHS की वैल्यू क्या आई है 225 और RHS की वैल्यू क्या आई है 225, मतलब कि ये फॉर्मूला भी आपका वेरीफाइड हो गया ना, समझ आया, ये फॉर्मूला भी आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है a इक्वल टू 11 एंड b इक्वल टू 3, ये आपको होमवर्क है, ये आपको आना ही चाहिए। अभी मैंने फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल था वो आपको सॉल्व करके दिखाया, अब ये वाला सेकेंड आपको होमवर्क है। चलो हम थर्ड वाला देखते हैं, क्योंकि इसमें पॉइंट का यूज किया है तो आपके पॉइंट में गड़बड़ हो सकती है, राइट। तो चलो थर्ड में क्या दिया, a इक्वल टू 2.5 एंड b इक्वल टू 1.2। चलो ए है हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन, थर्ड नंबर में क्या दिया है ए इक्वल टू 2.5 एंड बी इक्वल टू 1.2। तो हमें पहला वाला फॉर्मूला कौन सा प्रूफ करना है, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। चलो हम पहले LHS लेते हैं, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी टर्म है, यहाँ पे ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, LHS इक्वल टू क्या होगा हमारा ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो चलो ए की वैल्यू डालो, बी की वैल्यू डालो, 2.5 डाल दी और b की वैल्यू क्या है हमारी 1.2 और उसका एडिशन का स्क्वायर। तो 2.5 प्लस 1.2 कितना हो जाता है, आपको एडिशन करनी आती ना पॉइंट की, कैसे करते हैं 2.5 प्लस 1.2। चलो कैसे करते हैं, 5 प्लस 2 कितना होता है 7 और पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट की एडिशन जमती ना सबको। 2 प्लस 1 कितना हो जाता है 3, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 3.7 उसका स्क्वायर। अब 3.7 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, पहले आप क्या करोगे 37 का स्क्वायर निकाल लोगे, राइट। अब यहाँ पे 37 का स्क्वायर कितना आता है, 37 इंटू 37 करना पड़ेगा ना हमें, तो चलो 37 इंटू 37, 7 जा 49, 4 कैरी और 7 3 जा कितना होता है 21 प्लस 4 25, यहाँ पे 0 और यहाँ पे फिर 37 जा कितना हो जाता है 37 जा 21 एंड 2 कैरी, फिर 33 जा 9 और 82 कितना हो जाएगा हमारा 11, ओके। अब 0 प्लस 9 इज 9, यहाँ पे इनके एडिशन, फिर 5 प्लस 1 6, 2 प्लस 1 3 एंड यहाँ पे 1,
तो हमारा आंसर क्या आ गया 1369। तो यहाँ पे आपका 1369 आप तो लिख दोगे, पर पॉइंट कहाँ पे दोगे? देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है, पॉइंट के बाद वन नंबर है और आपकी इंडेक्स कितनी है, टू है। ओके, तो वन इंटू टू कितना होता है, टू होता है ना, तो इसलिए कितने नंबर्स के पॉइंट बाद पॉइंट लोगे, वन टू, टू नंबर्स के बाद पॉइंट लोगे। समझ में आया? मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, वन नंबर है, राइट। तो चलो हमने वन नंबर लिख दिया, हाँ पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतना नंबर हमने लिख दिया। उसके बाद हमने हमारी हमने इंडेक्स चेक की, ओके, इसको मल्टीप्लाई कर क्या करेंगे हम, इंडेक्स करेंगे। तो इंडेक्स क्या है हमारी, टू है, तो इसका मतलब वन इंटू टू कितना हो गया, टू। ओके, तो मतलब कि हम कितने घरों के बाद पॉइंट दोगे, हम दो घरों के घर छोड़ के पॉइंट देंगे। तो नाइन छोड़ दिया, सिक्स छोड़ दिया, चलो दो घर तो हो गए, अब यहाँ पे पॉइंट दे दिया, मतलब आपका आंसर क्या आया 13.69। पॉइंट के बाद की सब जो डिजिट्स होते हैं वो सिंगल सिंगल रीड करते हैं, पता है ना आप सबको, 13.69 इज अ करेक्ट आंसर। चलो अब हम LHS तो सॉल्व हो गया, फिर हमें क्या करना है, RHS सॉल्व करना है, राइट। तो चलो हम चेक करते हैं कि RHS की वैल्यू भी वही आ रही है क्या, फिर हमारा फॉर्मूला वेरीफाइड हो जाएगा, राइट। RHS इक्वल टू क्या है हमारा, ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो ए की वैल्यू डालो, ए की वैल्यू क्या है 2.5 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है, ए इंटू बी है ना, तो 2.5 इंटू 1.2। तो चलो 2.5 इंटू 1.2 और प्लस करके क्या है, b का स्क्वायर, मतलब कि 1.2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1.2 का स्क्वायर, ये जो चीजें है वो रफली मैंने यहाँ पे की है ताकि आपको समझ में आए, ये आपको नोटबुक में नहीं लिखनी है, अगर लिखनी होगी तो सिर्फ पेंसिल से लिखना है, ओके। तो यहाँ पे देखो 2.5 मतलब कि अब यहाँ पे 2.5 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर आपको पता है क्या है, 25 का स्क्वायर 625, राइट, 625। तो यहाँ पे कितने घरों के बाद पॉइंट दोगे आप, वैसे ही मैंने क्या किया, वन, पॉइंट के बाद कितने घर है यहाँ पे, वन, ओके, पॉइंट के बाद वन घर है और इंडेक्स क्या है आपकी, टू, तो वन इंटू टू कितना हो जाता है, टू। तो मतलब दो घर छोड़ के यहाँ पे पॉइंट दोगे, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 6.25 प्लस करके 2 इंटू 2.5 इंटू 1.2। तो 2 इंटू 2.5 कितना हो जाता है आपका, देखो यहाँ पे आप पॉइंट निकाल लो और फिर मल्टीप्लिकेशन करो और फिर पॉइंट रखो। तो यहाँ पे पॉइंट चलो हमने निकाल दिए, मतलब कि आपका वैल्यू क्या हो गया, 2 इंटू 25 इंटू 12 हो गया। तो 2 इंटू 25 मतलब कितना होता है, हो जाता है 50, ओके, 50 का हमने जीरो लिख लिया और फिर 50 मतलब ओ 5 बचा ना, तो 12 5 कितना होता है 60, 12 5 कितना होता है 60। तो देखो यहाँ पे हमारा आंसर 600 तो आ गया, पर यहाँ पे कितने नंबर्स के बाद हमें पॉइंट देना है तो हम चेक करेंगे, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है, वन नंबर है, और पॉइंट के बाद कितने नंबर है, वन नंबर है। तो कुल मिला के कितने नंबर्स हो गए आपके, वन एंड टू, तो टू नंबर्स हो गए। तो यहाँ पे कितने नंबर्स के बाद पॉइंट दोगे आप, वन टू, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाता है 6.00 प्लस करके यहाँ पे 1.2। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर तो आपको पता है 144, करेक्ट। तो यहाँ पे आप कितने घरों के बाद पॉइंट दोगे, टू घरों के बाद, कैसे, पॉइंट के बाद इस पॉइंट के बाद कितना घर है, वन, कितने नंबर है, वन नंबर है, ओके, और इंडेक्स कितने आपकी, टू है, इसलिए वन इंटू टू कितना हो गया, टू, मतलब कि पॉइंट के बाद टू नंबर्स के, टू नंबर छोड़ के आप पॉइंट दोगे। तो चलो इन आप सबके एडिशन कर लो, कितना आएगी एडिशन, चलो हम इधर एडिशन करते हैं, और 1.44। देखो मेरे पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट ही लिखा है, क्या लिखा है मैंने, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लिखा है। अब यहाँ पे भी हम पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखेंगे, राइट। अब यहाँ पे 5 + 0 + 4 कितना हो गया हमारा, 9, ओके, 2 + 0 + 4 कितना हो गया हमारा, 6, और यहाँ पे 6 + 6 + ये 6 है, ओके, 6 + 6 + 1 कितना हो गया हमारा 7। तो हमारा आंसर क्या आया, 6 + 6 + 1 = 12 + 1 = 13 कितना हो गया, 13। तो देखो हमारा आंसर क्या आया, 13.69, क्या आया, 13.69। तो हमारा आंसर देखो, अब यहाँ पे जो हमने LHS निकाली थी उसका आंसर क्या था, 16.5
13.69 एंड यहाँ पे भी RHS जो निकाला उसका आंसर क्या आया 13.69। तो मतलब कि हमारा LHS इक्वल टू RHS आया, मतलब कि हमारा ये जो फॉर्मूला था प्लस वाला वो वेरीफाइड हो गया। ओके, बाइनोमियल फॉर्मूला जो था वो वेरीफाइड हो गया। अब देखो ये वाला हम a माइनस ए प्लस बी वाला तो फॉर्मूला हमने वेरीफाई कर लिया। अब है सेकेंड वाला a माइनस बी वाला फॉर्मूला। a माइनस बी वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो चलो ये वाला जो फॉर्मूला है हम इसको भी वेरीफाई करते। तो यहाँ पे LHS कौन सा है बताओ मुझे, LHS कौन सा है यहाँ पे, LHS इक्वल टू क्या है a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, करेक्ट। अब वहां पे a की वैल्यू क्या है आपके पास 2.5 और फिर b की वैल्यू क्या है आपके पास, b की वैल्यू है 1.2, तो उसका क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर। तो चलो अब 2.5 प्लस, सॉरी यहाँ पे हमें माइनस लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे 2.5 माइनस 1.2, तो 2.5 माइनस 1.2 क्या आता है, चलो सबट्रैक्शन करो, 2.5 माइनस 1.2 कितना आ जाता है 5 माइनस, देखो पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट रख दो मतलब आपका बाद में कंफ्यूजन ना हो, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाता है 3 और यहाँ पे 2 माइनस 1 कितना हो जाता है 1, तो आपका आंसर क्या आया 1.3, कितना आया 1.3 का स्क्वायर। तो पहले आप पॉइंट निकालो यहाँ पे, 13 का स्क्वायर कितना आता है बोलो मुझे, अगर आपने यहां से पॉइंट निकाल लिया तो आपका क्या बचता है 13 बचता है ना, तो 13 का स्क्वायर तो आपको पता है ना, 13 का स्क्वायर कितना है 169, कितना है 169 राइट। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर अगर 169 है तो 1.3 का स्क्वायर कितना आएगा, 1.3 का स्क्वायर कितना आएगा, पॉइंट के बाद कितने नंबर से, पॉइंट के बाद है 1 नंबर, और इंडेक्स क्या है आपकी इंटू, हम क्या करते हैं इंडेक्स करते हैं ना पॉइंट के बाद के नंबर इंटू इंडेक्स, तो अब इंडेक्स क्या है आपकी बताओ मुझे, इंडेक्स है 2, तो 1 × 2 कितना आ जाता है आपका 1 × 2 ये 2 आ जाता है करेक्ट। तो अब यहाँ पे देखो कितने नंबर्स के बाद आप पॉइंट रखोगे, फिर 2 नंबर्स के बाद, तो 1, 2, तो चलो यहाँ पे 1.69, तो आपका आंसर क्या आया 1.69 राइट। तो अब आगे क्या करेंगे हम, 1.69 तो हमारा LHS आया, फिर हमें क्या निकालना है RHS निकालना है, क्या निकालना है RHS। तो RHS निकालने के लिए हम क्या करेंगे, RHS क्या है आपका देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो हम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर तो लिख लेंगे, फिर हम क्या करेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या करेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलो बोलो a की वैल्यू क्या है 2.5, कितना है 2.5, तो 2.5 हमने सब्स्टिट्यूट की। ओके, सब्स्टिट्यूट मतलब रखना, माइनस 2 × 2 × 2 × a का a क्या है आपका 2.5, कितना है 2.5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 2.5 इंटू करके क्या है b a, तो b की वैल्यू क्या है आपकी 1.2, तो चलो यहाँ पे लिख लो 1.2। ओके, और फिर क्या है b का स्क्वायर, b क्या है आपका 1.2 उसका स्क्वायर, तो आप यहाँ पे 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर आप तो निकालते मतलब निकालना चाहते निकालो, पर यहाँ पे आपको अगर पॉइंट निकालो तो क्या हो जाता है आपका 25 राइट। तो 25 का स्क्वायर तो आपको पता है 625। ओके, तो अब यहाँ पे कहाँ पे आप पॉइंट दोगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, देखो यहाँ पे इंडेक्स आए 2 है और कितने नंबर से पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो मतलब कि आप 2 नंबर्स के बाद पॉइंट दोगे, तो 1, 2 नंबर्स हमेशा यूनिट प्लेस से ही काउंट करने हैं। ओके, 1, 2, तो आपका आंसर कितना हो गया 6.25 माइनस, अब माइनस करके इन सब के मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। चलो हम पहले पॉइंट निकाल देते हैं और फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन कितना आया था 600 आया था, कितना आया था 600, और कितने नंबर्स के बाद हमें पॉइंट देना पड़ेगा, यहाँ पे 1 नंबर है और यहाँ पे 1 नंबर है, मतलब कुल मिला के हमारे पॉइंट के बाद में कितने नंबर है 2 नंबर है, तो चलो हम काउंट करते हैं 1 और 2, तो यहाँ पे कितने नंबर के बाद हम पॉइंट देंगे 2 नंबर्स के बाद, तो 0, 0 के बाद हमने यहाँ पे पॉइंट दिया, मतलब हमारा आंसर क्या होगा 6.00 राइट। अब यहाँ पे 1.2 मतलब 12 का स्क्वायर कितना आता है 144 राइट, तो 1.2 का स्क्वायर कितना आएगा 2 नंबर्स के बाद पॉइंट, 2 नंबर्स के बाद पॉइंट मतलब 1.44, तो चलो यहाँ पे करो सब्ट्रैक्शन या एडिशन, क्या क्या करना है आपको, चलो पहले हम एडिशन कर लेते हैं 6.25, यहाँ पे अगर आप पहले सब्ट्रैक्शन करना चाहो तो भी कर सकते हो, पहले एडिशन करना चाहो तो भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे 6.25 माइनस 6.00 कितना हो जाता है 6.25 माइनस 6.00 कितना हो जाता है
देखो पॉइंट के नीचे मैंने यहाँ पे पॉइंट दे दिया, 5 माइनस जीरो इज अ 5, 2 माइनस जीरो इज अ 2, तो 6 माइनस 6 इज अ 0, मतलब कि 0.25 आपका इधर ये वाला आंसर आ गया, प्लस 1.44. तो चलो यहाँ पे आप इसमें 1.44 ऐड करो, 1.44 में आप क्या ऐड करना है आपको 0.25. चलो इधर हम करते हैं 1.44 प्लस करके 0.25 उसमें हम ऐड करेंगे, 4 प्लस 5 कितना हो जाता है 9, और यहाँ पे 6 पॉइंट करके 1.69. देखो हमारा फिर से आंसर 1.69 है, मतलब कि हमने वेरीफाई कर लिया, राइट, फॉर्मूला हमने वेरीफाई कर लिया. यहाँ पे हमारा क्या आया था, LHS 1.69 आया था, और RHS भी क्या है 1.69 है, मतलब कि LHS इक्वल टू RHS आ गया, यानी कि हमारा फॉर्मूला वेरीफाई हो गया, राइट. चलो फिर इतना आज के लिए काफी है, थैंक यू एवरीवन.